Hello viewers, today I am going to tell you about a shortcut of web pages. So let us start. Web page shortcut, as usual, जैसे हम word में control P और control S करके print करते हैं या आप save करते हैं कोई भी चीज़, तो इसमें भी हम web पेज में भी इसी तरह कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे जब आप कंट्रोल पी दबाइएगा तो ये प्रिंटिंग के लिए आपसे पूछेगा, जैसा कि वर्ड या किसी भी साइट पे करते हैं। तो आप ये पीडीएफ फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और सी मोर कर सकते हैं या जिसमें चाहें, और यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पेजेस चेंज कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, ऑड कर सकते हैं, और जब सेव दे दीजिएगा आप तो ये सेव हो जाएगा। पेज लोड हो रहा है, जब पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पर ये पेज सेव हो जाएगा। और प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर सारी सेटिंग मार रहा है। और मोर सेटिंग में जाएंगे हम तो पेज साइज ले लेगा, पेज पर शीट ले लेगा, मार्जिन ले लेगा, स्केल ले लेगा, और आपका पेज अगर प्रिंटर से कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो उसको वो प्रिंट भी कर देगा। तो अभी हमारा प्रिंटर नहीं कनेक्टेड है तो इसको हटाते हैं। कंट्रोल एस करिएगा तो ये देखिए फाइल आ गई, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। अब कंट्रोल आर करते हैं हम तो ये पेज फिर से लोड हो जाएगा। देखिए लोड हो रहा है, यूट्यूब फिर से लोड हो जाएगा, करंट पेज जो होगा आपका फिर से लोड हो जाएगा, तो मतलब रिफ्रेश हो जाएगा आपका पेज। नेक्स्ट हमारा है रीलोड द करंट पेज इग्नोरिंग कैश्ड कंटेंट। तो अगर आपका कैश में कुछ स्टोर है तो उसको इग्नोर करके वो कर देगा आपका रीलोड। तो इसके लिए शिफ्ट और F5 दबाना पड़ेगा या कंट्रोल शिफ्ट और R दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल F5 दबाते हैं तो ये देखिए फिर से रीलोड हो रहा है आपका, और कैश मेमोरी को इग्नोर कर देगा। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट R दबाने से भी आपका पेज रीलोड हो जाएगा और कैश मेमोरी को इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट है हमारा एस्केप, स्टॉप द पेज लोडिंग। अगर कुछ पेज लोड हो रहा है तो एस्केप करने से वो पेज लोड नहीं होगा। ब्राउज क्लिकेबल आइटम मूविंग फॉरवर्ड, जब आप टैब दबाते हैं तो ब्राउज क्लिकिंग आइटम जो होता है वो फॉरवर्ड जाता है, और जब शिफ्ट टैब दबाते हैं तो बैकवर्ड जाता है। तो चलिए वो चल के देखते हैं कि कैसे जाता है। यहाँ पे और वेबसाइट खोल लेते हैं कोई, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस्ट्रक्शन लेटेस्ट न्यूज ऑन यूक्रेन एंड रशिया ले लिया, मान लिया। अब यहाँ पर ये आया और अब हमने टैब दबाया तो ये देखिए आपके इसमें डिफरेंट टैब्स पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टैब पे वो जाएगा। अब शिफ्ट के साथ जब टैब दबाएंगे हम तो ये देखिए बैकवर्ड स्क्रॉलिंग करने लगेगा। तो आप मेनू में टैब से आगे और शिफ्ट टैब से पीछे जा सकते हैं वेब पेज के अंदर। नेक्स्ट है ओपन अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर इन अ क्रोम। अब कंप्यूटर से क्रोम में फाइल आपको खोलनी है तो कंट्रोल ओ और सेलेक्ट फाइल करना पड़ेगा। तो हम लोग वेबसाइट पे जाएं, कंट्रोल ओ करें, और जब वो फाइल पूछे तो कोई भी फाइल हम लोग खोल सकते हैं। फ्री अनाउंस, अमेजॉन इन, कुछ भी खोल लेते हैं। कोई आपका HTML फाइल ही खुलेगा वेब पेज में। ओपन करा, अब ये यूट्यूब की जगह पर ये वाली फाइल अमेजॉन की खुल जाएगी। तो इस तरह से हम कंट्रोल वो करके कोई भी साइट को जो पहले से सेव है उसको हम लोग खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिक गैजेट दे रहा 10-in-1 कॉम्बो ऑफ ऑफिस टूल किट्स सीजर्स,
अगर ऑफ हो गया, इसको बंद कर देते हैं, ये आया। टैप स्टेपलर ओपनर, बहुत सी चीज एक साथ इसमें दी हुई है। तो कुछ हमने गैजेट्स सेव कर रखे हैं जो बहुत ही एडवांस हैं, उसको हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें कमांड कंट्रोल यू। अगर कोई पेज है डिस्प्ले नॉन एडिटेबल एचटीएमएल सोर्स कोड फॉर करंट पेज, अब जिसको एचटीएमएल आती है वो हम अगर बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग गए फिर से और लेटेस्ट न्यूज में गए और कंट्रोल आपने यू किया, तो यू करने से क्या होगा, कंट्रोल यू उस पेज का एचटीएमएल सोर्स कोड आपको दिखा देगा कि कैसे ये पेज बना है। तो जिसको एचटीएमएल आते है उसको तो समझ में आएगा क्योंकि इसमें सीएसएस और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और क्यूरी होगी, जावा क्यूरी होगी, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। किसी सिंपल पेज पर जाते हैं तो भी यही होगा, कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ से तो ओपन हो जाएगा, कंट्रोल यू था, कंट्रोल यू करेंगे तो ये देखिए आपका सोर्स कोड उस पेज का दिखा देगा। यहाँ पर हिडन फाइल है, यहाँ पर सारे पेजेस पिक्चर्स का एचटीएमएल है, बहुत सी चीज़ें फंक्शंस लगे हुए हैं, जावा क्यूरी लगी हुई है, सीएसएस लगा हुआ है, तो बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यू के बाद आया डी, सेव योर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क, और कंट्रोल शिफ्ट डी करने से जितने टैब होंगे सब बुकमार्क में आ जाएंगे। तो इसको यहाँ चलते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, तो कंट्रोल डी से देखिए जो करंट यूट्यूब का टैब था वो बुकमार्क में आ जाएगा। अभी हमें करना नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे, कि कंट्रोल शिफ्ट और डी करने से देखिए जितने बुकमार्क हैं सब आ जाए, बुकमार्क बार, ये जो पूरा बार है इस पर जितने भी बुकमार्क हैं वो सब आ जाएंगे, सेव हो जाएंगे किसी फोल्डर में। तो हमको तो करना नहीं है, बस हमको बताना है आपको, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। F11 टर्न फुल स्क्रीन मोड और ऑन। अब हम लोग फुल स्क्रीन मोड के लिए कर्सर यूज़ करते हैं, सीधे F11 यूज़ कीजिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में आ गया, फिर से करिएगा तो टॉगल हो जाएगा, फिर से करिएगा तो खुल जाएगा, फिर से करिएगा तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये शॉर्टकट्स अगर आपको याद हो जाए तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाइएगा। अब हमें पूरे पेज को बड़ा करना है या छोटा करना है, ये हम कल भी बता चुके हैं लेकिन चलिए बता देते हैं। कंट्रोल प्लस करिएगा तो पेज जो आपका है वो बड़ा होता जाएगा, ये देखिए है ना, और माइनस करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, ये देखिए चार थे ना पहले स्टार्टिंग में, और कंट्रोल ओ करेंगे बाय डिफॉल्ट रीसेट हो जाएगा, तो ओरिजिनल ओरिजिनल साइज में आ जाएगा कंट्रोल ओ करने से। नेक्स्ट हम लोगों का कमांड है स्क्रॉल डाउन अ वेब पेज अ स्क्रीन एट अ टाइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम लोग को वेब पेज में जाएंगे, स्पेस दबा के पेज डाउन जब आप दबाइएगा तो ये देखिए नीचे स्क्रीन करेगा, पेज अप दबाइएगा, पेज डाउन दबाइएगा तो नीचे जाएगा, और होम दबाइएगा तो टॉप में जाएगा, पेज अप करिएगा स्पेस शिफ्ट स्पेस के साथ पेज अप जाएगा। तो शिफ्ट और स्पेस दबा करके, केवल स्पेस दबाने से स्पेस और पेज अप दबाने से पेज डाउन दबाने स्पेस और पेज डाउन दबाने से नीचे जा रहा था, लेकिन अप करने के लिए स्पेस और पेज डाउन स्पेस और शिफ्ट और पेज अप दबाना पड़ेगा, स्पेस और शिफ्ट और पेज अप दबाना पड़ेगा, और स्पेस के साथ होम दबाने से सबसे ऊपर जाएगा और एंड दबाने से सबसे नीचे जाएगा।
तो इस तरह से हम पेज को पैन कर सकते हैं, सबसे नीचे जाएगा और स्पेस दबा के होम दबाने से सबसे ऊपर चला आएगा। नेक्स्ट हमारा है स्क्रॉल हॉरिजेंटली ऑन द पेज। अब पेज में हॉरिजेंटल भी हम मूव कर सकते हैं, उसके लिए शिफ्ट प्लस स्क्रॉल योर माउस होगा। तो शिफ्ट और स्क्रॉल योर माउस कैसे करेंगे, चलते हैं देखते हैं होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे गए, शिफ्ट और स्क्रॉल माउस करा, तो ये तो इसने बंद ही कर दिया। तो इसको फिर से खोलें, खुल गया भाई। ये खुला, यहाँ पे फिर से लिखे youtube.com। यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए हम अपनी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ये सारे वीडियोस आ गए। अब हमको लेफ्ट हॉरिजेंटल स्क्रॉल करना है, एक बार ट्राई करा जाता है तो इसको ये देखिए, ये राइट आप जाते जाइएगा, ये तो इस तरह से माउस स्क्रॉल करने से, शिफ्ट दबाने से वो राइट की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट आपका आया मूव योर कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड इन द टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड में कंट्रोल लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट में वर्ड के जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में जाएगा, बैक स्पेस करेंगे तो वर्ड डिलीट हो जाएगा, और होम पेज इन करंट टैब में अगर आना चाहेंगे तो ऑल्टर होम करेंगे। तो चार चीज़ें और करना है हमको, यहाँ पे गए कंट्रोल, यहाँ पे गए कंट्रोल और राइट एरो किया कि तो देखिए राइट में जा रहा है, कंट्रोल लेफ्ट एरो की कीजिएगा तो लेफ्ट में जाएगा, और कंट्रोल बैक स्पेस करिएगा तो देखिए वर्ड डिलीट हो जाएगा, और कंट्रोल होम करेंगे हम लोग, अरे ऑल्टर होम करेंगे हम लोग तो ये देखिए होम पेज पे चला जाएगा, गूगल के होम पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह से वेब पेज में अगर शॉर्टकट की हम लोगों को आती है तो हम लोग बहुत कुछ कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए लैपटॉप या इसमें पीसी में तो आप उसको भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड मस्ट प्रैक्टिस दिस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स so they also come to know about these shortcuts and do practice for the perfection to do work better way. Thank you and please subscribe and watch full video तभी आपको ये सारे shortcuts समझ में आएंगे, और मेरे social media link को follow करिए, community पे जा कर के answer करिए poll में, और कमेंट करिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। हम बहुत ही जनरल नॉलेज वाला, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज वाला वीडियो आजकल बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को कंप्यूटर पे काम करना इजी से आ जाए। थैंक यू।